बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जब मंत्री राजीव सहजल ध्वजारोहण करने लगे तो उस दौरान तकनीकी समस्या के कारण ध्वज नहीं खुल पाया, मगर राष्ट्रीय गान के दौरान अनभिज्ञता के कारण बंद झंडे को मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल सलामी देते रहे। हालांकि आनन फानन में वहां पर तैनात मार्शल के ध्वज को नीचे उतार कर ध्वज को खोला, उसके उपरांत तिरंगा फहराया गया, मगर तब तक राष्ट्रीय गान की धुन नियमानुसार पूर्ण हो चुकी थी। इस दौरान तिरंगे व मंत्री राजीव सहजल को पुलिस गृह रक्षकों एनसीसी एनएसएस के स्वयंसेवियों के द्वारा सलामी दी गई। मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी व प्रदेश भाजपा सरकार के द्वारा अर्जित उपलब्धियों, स्वतंत्रता संग्राम व देश की सुरक्षा के प्रति अपना बलिदान व सहयोग देने वाले वीरों को याद किया। इस दौरान विधायक जे आर अटवाल, राजेंद्र गर्ग, सुभाष ठाकुर, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल व स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित रहे। उन सब वीरों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है, अपनी कुर्बानी दी है, मैं उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको स्मरण करना मैं अपना धर्म समझता हूं। परमवीर चक्र से अलंकृत किया। बिलासपुर जिला के शहीद नायक कृपाराम को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहादुरी के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा दूसरा बड़ा बहादुरी पुरस्कार जॉर्ज क्रॉस प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जिला से लगभग 3560 अधिकारी व सैनिक